जैन साथियों, कैसे हो आप सर? मैं स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में DSSP फायर ऑपरेटर के बारे में गाइस कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। फ्रेंड्स, आपका फिजिकल में क्या सेफ स्कोर रह सकता है? फ्रेंड्स, फाइनल मेरिट आपकी किस आधार पर बनेगी? और कई स्टूडेंट का कुछ क्वेश्चन था कि हैवी लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपको गाइस वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बार नीचे देख लेते हैं यहाँ पे फिजिकल कट ऑफ के बारे में दोस्तों। ठीक है, आपका फिजिकल में सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा आपका जो फिजिकल था वो 100 नंबर का था। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं ये आपको जो आपकी कट ऑफ है ये फिजिकल की, मैं आपको आउट ऑफ 100 में से बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो आपको 59 से लेकर 64 तक आपके नंबर फिजिकल में होने चाहिए। अगर आप फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपके जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो 59 से 64 के बीच आपके नंबर होने चाहिए फिजिकल में। अगर आप ओबीसी से हो दोस्तों तो आपके 57 से 61 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए ओबीसी कास्ट चेंज हो। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपकी एससी की बात करूं, अगर आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आपके 55 से लेकर 60 तक नंबर बन रहे हैं तो आपके फाइनल सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं दोस्तों। और जो भी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, अगर उनके नंबर 52 से 55 के बीच में आ रहे हैं, आपके एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, अगर आप कितने नंबर बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन श्योर हो सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए कई स्टूडेंट का मुझे कमेंट भी रहेगा कि सर इतनी कट ऑफ कैसे जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको एक बार ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको एक बार आराम से समझा देता हूँ मैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल में आपके फ्रेंड्स ओनली 3 पॉइंट थे। यहाँ पे देखिए 1 2 3, आपका सबसे पहले लॉन्ग जंप था और फिर हाई जंप था, 800 मीटर रेस थी। ठीक है, आपका फिजिकल में इतना प्रोसेस था। और फ्रेंड्स आपको पता ही होगा आपका 1.3.33 मार्क्स का था और आपके टोटल पॉइंट 30 आउट ऑफ 100, 30 में से मतलब आपको ये नंबर लेने थे। ओके, और फ्रेंड्स आपके कितने पॉइंट बने हैं इस फिजिकल में तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर हम एवरेज मान के चले मिनिमम बच्चों के, मान लो यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट्स आपको मिले हैं एक उसमें। ठीक है, एक पॉइंट में मतलब एक लॉन्ग जंप मान लो या फिर हाई जंप मान लो, टोटल आपके 30 पॉइंट में से मान लो आपको कम से कम 15 या 16, आप अंक आधा कर लो 30 का, आपको 15-16 पॉइंट मिले होंगे। ठीक है, तो हम 15-16 पॉइंट को आप 3.33 से एक बार गुना करके देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम एक बार अपना कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ लाइव करके। और फ्रेंड्स एक सेकंड रुकिएगा। तो फ्रेंड्स हमने एक बार कैलकुलेटर ऑन कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मान के चलो आपके एक पॉइंट में आपके 7 आ जाते हैं। ठीक है, एक उसमें तो आप 7 या 21 मान के चलो, या फिर 6 6 18 18 मान के चलो आप। ठीक है, 18 गुना 3.33 फ्रेंड्स, देखिए आपके नंबर 59 या फिर 60 के समथिंग आपके नंबर होने चाहिए जो भी जनरल कार्ड से बिलोंग करते हैं, आपके मिनिमम नंबर इतने आएंगे ही। ठीक है, और अगर आप पेपर में अच्छा स्कोर करते हो और आपका जो भी ड्राइविंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, आपका फाइनल सिलेक्शन श्योर हो सकता है। लेकिन आपके जो भी जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपके नंबर 60 या 60-65 के बीच में बन रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन तक आपका पूरा काम हो सकता है। आप टेंशन ना लीजिएगा, अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिएगा। ओके, देखिए कई स्टूडेंट का कॉमेंट रहता है कि फाइनल मेरिट किस आधार पर बनेगी, तो आप दोस्तों आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, रुकिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट, द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट इन द 3 करेक्शन सेट फोर्थ फॉर सिलेक्शन, i.e. फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, द रिटन टेस्ट। दोस्तों जो आपकी फाइनल मेरिट बननी है वो आपकी फिजिकल टेस्ट के ऊपर बनेगी और ड्राइविंग टेस्ट एंड रिटन टेस्ट, ये इन तीनों के बेस पे गाइस आपकी फाइनल मेरिट बनके तैयार होगी। तो ध्यान दीजिएगा, फिजिकल, ड्राइविंग टेस्ट एंड रिटन टेस्ट के ऊपर आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी दोस्तों। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फिजिकल में अच्छा करें, ड्राइविंग टेस्ट में अच्छा करें और रिटन टेस्ट में अच्छा करें, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, और मुझे कई स्टूडेंट का कमेंट ये भी था कि सर इसमें मतलब कि जो क्या कहते हैं जो हमारा लाइसेंस है कितना पुराना होना चाहिए। देखिए ये भी बहुत बड़ा डाउट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। देखिए दोस्तों आपको दिखा देता हूँ मैं, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन बिगिन 7/10/2019। दोस्तों अब जो आपका भी लाइसेंस होना चाहिए हैवी, इस डेट से पीछे पीछे का होना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए। क्या सुना आपने? एप्लीकेशन बिगिन से चाहे एक दिन मतलब कि पहले आपने बनवा रखा हो, मतलब कि ये नहीं कि अगर आप 7/10/2019 के बाद अप्लाई करो या फिर उसके बाद आपका नहीं चलेगा, वो 7/10/2019 से आपका पुराना होना चाहिए, आप पास हो इसमें। लेकिन
7/10/2019 के बाद आपका लाइसेंस नहीं बनना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। 7/10/2019 के बाद आपका लाइसेंस बना हुआ नहीं होना चाहिए हैवी, इससे पहले की डेट का हो आपका चल जाएगा। क्या सुना आपने? मैंने आपको बोल दिया, आपने सुन लिया होगा मुझे उम्मीद करता हूँ मैं। आपको मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगे आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब पक्का दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि जब आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको टाइम से मिल जाए। तो बेल बटन जरूर ऑन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो या ठोक दो सब्सक्राइब, ठीक है। और दोस्तों अपने अपने पॉइंट मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके फिजिकल में कितने पॉइंट्स बने, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के वीडियो दोस्तों इतना ही था। हैप्पी रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।